वादी कश्मीर में आज 300 किलोमीटर तवील कश्मीर साइक्लोथॉन इवेंट जिसमें मुल्क भर से आए शिरका को चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता और सेक्रेटरी सियाहत सरमद हफीज ने झंडी दिखाकर रवाना किया। पेश है हमारे नुमाइंदे बुरहान हुसैनी की ये खास रिपोर्ट। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, हमारे टीम लीडर्स यहाँ पे आ गए। आज की साइकिलिंग में लगभग 60 लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और रास्ते में काफ़ी लोग और भी ज्वाइन करेंगे। पर्पस ये है कि जो लोग हैं वो कश्मीर को अच्छी तरह एक्सप्लोर कर पाए। यहाँ से ये लोग आगे बहुत खूबसूरत जगहों पे जाएंगे जैसे हर्बल वगैरह, और 3 दिन साइकिलिंग करेंगे और एक मैसेज भी ये लोग नशा मुक्ति अभियान का भी मैसेज देंगे ये लोग। तो इट्स अ वेरी गुड एक्टिविटी एंड वेरी रिफ्रेशिंग, एंड दी साइकिलिस्ट हैव कम फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री एंड इवन फ्रॉम नेपाल, सो इट्स अ गुड थिंग एंड आई थिंक इट्स वेरी रिफ्रेशिंग एंड इट्स गुड टू सी दैट पीपल हु आर बियॉन्ड 60 ईयर्स दे हैव आल्सो कम एंड दे आर पार्टिसिपेटिंग। आप लोगों को पता होगा कि लास्ट ईयर 17 लाख लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। इस साल हम लोग मिनिमम 35 लाख एक्सपेक्ट कर रहे हैं और नंबर इससे बहुत ज़्यादा हो सकता है। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सब लोग खेलेंगे इस बार, एवरीबडी, वेदर इट इज़ यंग ओल्ड और मिडिल एज, एवरीबडी शुड पार्टिसिपेट। पहले पंचायत के लेवल पे गेम्स होंगे और पंचायत में हम लोग सबको एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो लोग पार्टिसिपेट करें। अलग अलग गेम्स होंगे, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल वगैरह वगैरह, एंड पंचायत के बाद फिर वो ब्लॉक लेवल पे गेम्स होंगे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गेम्स होंगे और फिर अंत में यूटी लेवल पे गेम्स होंगे। तो मकसद ये नहीं कि सिर्फ चैम्पियंस बने, मकसद ये है कि सब लोग खेलें, और खेलेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे तो आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। देखिए 300 किलोमीटर कश्मीर साइक्लोथॉन जिसमें कई साइकिलिस्ट जो हैं दे हैव कम फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, अलग अलग हिस्सों से आए हैं, और हमारे यहाँ के भी कई साइकिलिस्ट जो हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप जानते हैं कि कश्मीर जो है इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट डेस्टिनेशंस फॉर साइकिलिंग एंड माउंटेन बाइकिंग, और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये एक जो है टूरिज़्म का एक इसको हम प्रमोट करें। मुझे बहुत खुशी हो रही है देख के कि इतनी अच्छी पार्टिसिपेशन है। दे विल बी गोइंग टू सेवरल डेस्टिनेशंस। आप जानते हैं कि हमने कई ऐसी डेस्टिनेशंस जो बहुत ही खूबसूरत थी, जिनका पोटेंशियल अनटैप था, उनको आइडेंटिफाई किया है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उनको भी फोर फ्रंट पर लाएँ लोग, ताकि टूरिस्ट वहाँ पर भी विज़िट करें और जो हमारे लोकल्स हैं वहाँ के उनको फ़ायदा पहुँचे। आज का जो ये साइक्लोथॉन है इसमें ऐसी 8 अनटैप्ड डेस्टिनेशंस जो हैं उनको भी ये टच करेंगे। अभी हमारा वेरेना,
शुक्रनाग, दक्सुम, वसकनाग, दुबजन जा रहे हैं, आहरबल जा रहे हैं, शिकारगा जा रहे हैं, और आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर्स ओवर 3 डेज दे विल बी बैक हेयर अगेन। ये हमारे बाकी यूथ के लिए भी बहुत इंस्पिरेशन है, एंड आई एम श्योर जो एक्सपीरियंस यहाँ ये करेंगे दैट विल बी वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। और कई ऐसे साइक्लिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड वुड लाइक टू कम एंड पार्टिसिपेट। आप देख रहे हैं कि कश्मीर का मौसम जो है इट इज़ अनकम्पेरेबल, हाउ ब्यूटिफुल इट इज़, परहैप्स द परफेक्ट प्लेस टू गो माउंटेन बाइकिंग एंड cycling, where even the day in this time you can just go and enjoy the weather, enjoy the beauty, enjoy the surroundings. Mujhe yakeen hai isse hamare tourism ko bahut fayda milega. Har district mein jahan ye ja rahe hain wahan hamare apne bacche jo hain, hamare apne cyclists jo hain, wo bhi inko join karenge, wo bhi inko felicitate karenge aur inke sath participate karenge. Mujhe yakeen hai that it will be a very successful event. मैं सुचंदा दिल्ली से आई हूँ ये राइड टूर ऑफ कश्मीर में। यहाँ पे हम लोग साइकिलिंग करने आए हैं। ये हमेशा से दिमाग में हमारे रहता था कि श्रीनगर और कश्मीर को अच्छे से देखें, और अच्छे से देखने का सबसे अच्छा तरीका है साइकिल। और टूरिज्म ने जो ये बहुत अच्छा हमें मौका दिया है साइकिल से अहरबल, कोकरनाग, अनंतनाग ये सारी जगह देखने के लिए, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और आई एम श्योर कि ये बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। थैंक यू।